नमस्कार दर्शकों, धर्मार्थ चैनल की एक और नई प्रस्तुति में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है क्रोध। यह एक ऐसा भाव है जो मनुष्य के वास्तविक अस्तित्व व सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। वर्तमान समय में यह एक गंभीर विषय है जिसे आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वीडियो को शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। गुस्सा या क्रोध अर्थात एक ऐसी भावना जिससे हृदय में रक्त की गति तेज हो जाती है, मन उत्तेजित हो जाता है और व्यक्ति कुछ भी करने को आतुर हो सकता है, ऐसी अवस्था को ही क्रोध कहते हैं। क्रोध वह होता है जो पश्चाताप पर समाप्त होता है, लेकिन इसका आरंभ मूर्खता से होता है। क्रोध न दिखाई देने वाली ऐसी चिता है जो भीतर ही भीतर आपको जला रही है। क्रोध उबलता पानी के समान है, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति खोलते जल में अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाता। क्रोध और क्रोध से उत्पन्न होने वाली घटना दोनों अलग अलग क्रम है। इसका स्पष्ट उदाहरण कुकर हो सकता है। क्रोध से उत्पन्न होने वाली घटना कुकर की सीटी के बराबर है और कुकर के नीचे चलने वाली अग्नि क्रोध है। जब क्रोध बढ़ता है तब दबाव उत्पन्न होता है और सीटी बज जाती है। इसी तरह जब क्रोध सीमा के पार हो जाता है तो उस पर नियंत्रण करना आवश्यक है। सभी जानते हैं कि क्रोध ऐसा मानसिक विकार है जो बहुत हानिकारक है। मनोचिकित्सक इससे हर संभव तरीके से बचने की सलाह देते हैं। जब गुस्से से बचना संभव नहीं होता तो उस स्थिति में हमारा धार्मिक या आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ लौकिक जीवन भी सहजता से नहीं चल पाता है। क्रोध को जीतने का सबसे प्रभावशाली उपाय आत्मा की अनुभूति ही है। क्रोध एक ऐसी भावना है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, पूरी तरह से नहीं तो कुछ सीमा तक। क्रोध का एक प्रसिद्ध उदाहरण रामायण से भी लिया जा सकता है। रावण विद्वानों से भी विद्वान था और उसके 10 सिर भी थे, फिर भी रावण की सफलता ने उसकी मानवता को और साथ ही उसके सद्गुणों को समाप्त कर दिया। जब उसकी बहन शूर्पणखा ने अपने गलत कार्यों के कारण नाक कटवाकर अपनी कहानी रावण को सुनाई, जो स्वभाव से जल्दी क्रोधित हो जाता था, तो वह यह साधारण प्रश्न पूछना भूल गया कि तुम राम और लक्ष्मण से मिलने क्यों गईं? श्री राम से बात न करके रावण ने उनका पक्ष नहीं सुना, परिणाम में केवल सर्वनाश ही हुआ। रावण उस समय सबसे ज्यादा तनावपूर्ण व्यक्ति रहा होगा। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वह बहुत जल्दी ही क्रोधित हो जाता था। इसलिए विचार करना आवश्यक है कि अपने क्रोध को कम करने का प्रयास करें और निर्णय कीजिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, राम या रावण। रावण की भूमिका उन सबके लिए नमूना है जो क्रोध को कम करना चाहते हैं। गुस्से को रोकना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आप 10 मिनट गुस्सा होते हैं तो 600 सेकेंड की खुशी को खो देते हैं। हम तब क्रोधित होते हैं जब हमारे पास बहुत सी मुश्किलें होती हैं, परिणामतः हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। जिसके पास कोई मुश्किल नहीं है वे नश्वर देह के समान लेटे हुए हैं। मुश्किलें जीवन का लक्ष्य है। भगवान से मुश्किलों से दूर रखने की प्रार्थना करने की बजाय हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि हे ईश्वर, मुझे अधिक मुश्किलें दीजिए और उन्हें हल करने के लिए ज्यादा बुद्धिमत्ता और बल भी।
आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।